मुझे बहुत खुशी हो रही है और सभी खुश हैं मेरे घर में, सभी घर वाले, मम्मी। मेरा नाम मीमांसा है, मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग माउंटेसिसी स्कूल भागलपुर से ही की है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन JNU किया। से 2022 तो फिर BPSC का ख्याल कैसे आया? इसके बाद मेरा टारगेट UPSC देना था, लेकिन क्योंकि उस दौरान मैं घर पर थी तो मम्मी के कहने पर ही मैंने BPSC का एग्जाम, तो जैसे जैसे जो एग्जाम आते गए मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते गई, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं था मेरे पास तैयारी करने। जो यूथ है, जो आजकल के युवा हैं, जो इन चीजों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे पढ़ाई करें? उन लोगों के लिए जो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि आप फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अमूमन बिहार जैसे प्रदेश में लड़कियों को पढ़ने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कहते हैं ना, जिनके इरादे और हौसले बुलंद हो वह अपने सपने को पूरा करने से कभी नहीं चूकते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है भागलपुर की बेटी मीमांसा ने। चलिए तो जानते हैं आज हम मीमांसा के बारे में। भागलपुर शहर के 0 माइल चाणक्य विहार कॉलोनी के रहने वाली मीमांसा 68वीं BPSC परीक्षा में 10वीं रैंक लाकर सहायक आयकर आयुक्त बन गई। मीमांसा के पिता मिथिलेश कुमार यादव कोऑपरेटिव विभाग में कार्यरत, वहीं उनकी मां कंचन देवी एक गृहिणी है। दोनों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब 68वीं BPSC के रिजल्ट में उन्होंने अपनी बेटी मीमांसा का नाम देखा। पिता ने कहा, आज मेरी बेटी ने मेरा नाम हर जगह ऊंचा कर दिया। मीमांसा का यह दूसरा प्रयास है जिसमें उन्होंने सफलता पाई है। मीमांसा अपने प्रारंभिक पढ़ाई से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई माउंट SSC भागलपुर से की। उन्होंने उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। मीमांसा ने साफ तौर पर कहा है कि मैं किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया हूँ, मैं मुख्य रूप से सेल्फ स्टडी पर फोकस किया और मैं हर दिन तकरीबन 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करती थी। चलिए तो जानते हैं आगे। बिहार लोक सेवा आयोग में आपने 10वां स्थान प्राप्त किया है, सबसे पहले तो आप बधाई की पात्र हैं, और कैसा महसूस कर रही हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहा, इसके बारे में बताएं। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और सभी खुश हैं मेरे घर में, सभी घर वाले, मम्मी पापा सब मुझसे ज़्यादा खुश हैं, और बस मैं आशा करती हूँ कि मैं अच्छे से अपना काम कर सकूँ। पहली प्राथमिकता क्या होगी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके लिए? देखिए, एक्चुअली इस बार बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की वैकेंसीज नहीं थी, तो मुझे मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने रखा था बिहार फाइनेंस सर्विस, वो अलॉट हुआ है। अभी इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जो भी हमें सिखाया जाएगा उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अपना काम कर सकूँ। पिताजी आपके बता रहे थे कि प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन और PG भी किया, तो फिर BPSC का ख्याल कैसे आया? नवंबर 2022 में मैंने JNU से PG की पढ़ाई पूरी करके अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। उसके बाद मेरा टारगेट UPSC देना था, लेकिन क्योंकि उस दौरान मैं घर पर थी तो मम्मी के कहने पर ही मैंने BPSC का एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसा कुछ एक दिन में ये सोचा हुआ नहीं था, ये शुरुआत से था कि सिविल सर्विसेज देना है, बट हाँ BPSC एग्जाम देने का ख्याल ये बहुत ज़्यादा सोचा हुआ नहीं था। ये फॉर्म भरते समय तो बस मैंने मम्मी के कहने पे फॉर्म भरा था, लेकिन बाकी फिर जितनी भी जर्नी होती है, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सब सेम हो गया है तो आपको एक जैसी तैयारी ही करनी होती है। तो जैसे जैसे जो एग्जाम आते गए मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास तैयारी करने के लिए। UPSC के लिए क्या आगे करेंगी? मैं कोशिश तो करना चाहूंगी इस बार कि मैं UPSC का अटेम्प्ट 2024 वाला अच्छे से दूं, बाकी अब फिर आगे जो भी हो उसको वैसे ही एज इट इज फेस करते जाए। जो यूथ हैं, जो आजकल के युवा हैं, जो इन चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे पढ़ाई करें, कितना टफ टास्क हो जाता है? ये एग्ज़ाम टफ है क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो हर रोज़ पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की जंग नहीं है, आप एक दिन में 24 घंटे पढ़ते रहें, 18 घंटे पढ़ाई करें, थोड़े थोड़े समय पढ़ें बट कंसिस्टेंटली हमेशा पढ़ते रहें। और उन लोगों के लिए जो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने आप के लिए एक प्लान भी तैयार रखें, क्योंकि जब आपके दिमाग में रहता है ना कि आपके पास कुछ है फॉल बैक करने के लिए, तो आप एक तरफ से फ्री रहते हैं, इसीलिए प्लान भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जैसे बताया कि मैंने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था,
और कंसिस्टेंटली पढ़िए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, सिलेबस को ध्यान में रखिए और न्यूज़पेपर उसको हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि सब कुछ किताबों से नहीं होता, आप अपना वर्ल्ड व्यू भी न्यूज़पेपर के थ्रू डेवलप कर पाते हैं। फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अमूमन बिहार जैसे प्रदेशों में लड़कियों को पढ़ने के लिए लोग आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। इनफैक्ट मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो वो हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब है, वो हमेशा इधर उधर रहते थे, तो मम्मी हमें एक ही जगह लेकर के यहाँ रहा करती थी ताकि हमारी स्कूलिंग में ब्रेकेज ना हो। और रही बात जब मैं दिल्ली में भी थी, तो मेरे नाना नानी का घर दिल्ली में था, तो मैं वहीं से पढ़ाई करती थी, मुझे पढ़ाई के अलावा ज़्यादा और किसी चीज़ की दिक्कत होती नहीं थी। तो इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी, मैं आशा करती हूँ कि बाकी पेरेंट्स भी अपने, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो आगे जाके देखे और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। पिताजी एक सरकारी मुलाजिम है, क्या उनकी तरफ से कभी दबाव रहता था कि नहीं नौकरी करना है तो सरकारी ही करना है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट वो ऑलरेडी सर्विसेज में थे, तो वही मोटिवेशन था कि इनफैक्ट गाइडिंग लाइट वही बन गया कि मुझे भी वही करना है बहुत छोटी उम्र से ही। कोई उनकी तरफ से दबाव नहीं था इनिशियली। इनफैक्ट 12th के बाद वो चाहते थे एक बार को कि मैं इंजीनियरिंग करूं, बट मेरा मन नहीं था, तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि आप इंजीनियरिंग करें, तो उनके तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है, परिचय बता दें अपना। मेरा नाम विमानसा है, मैं भागलपुर की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग माउंटेसीसी स्कूल भागलपुर से ही की है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएशन JNU से 2022 में पूरा किया।